हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप बेंगोली ब्राइडल मेकअप। इस मेकअप लुक को करने के लिए मैंने बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट का यूज़ किया है। 10 रुपये से स्टार्ट करके प्रोडक्ट यूज़ करूंगी मैं इस मेकअप में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ये मेकअप लुक। सबसे पहले मैं मेरे फेस पे अप्लाई करूँगी टोनर। यहाँ पे मैंने रोज़ वाटर का यूज़ किया है, ये 10 रुपीज़ का आता है छोटे वाला। और उसके बाद फेस को मॉइस्चराइज करूँगी, ये जोए की मॉइस्चराइज क्रीम है, उससे मैं मेरे फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। ये भी 10 रुपीज़ की ही आती है, इससे है जो मैं मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर सिरम यूज़ करूँगी, ये गुड वाइब्स का सिरम है। आप किसी भी ब्रांड का सिरम यूज़ कर सकते हो, इससे आपका बेस है जो केकी नहीं होगा, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। उसके बाद है मैं मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी लिप बाम की हेल्प से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया है, ये मैंने इनसेट का प्राइमर लिया है, ये पोर प्राइमर है। अगर आपके लार्ज पोर्स है तो आप पोर प्राइमर यूज़ करें, वरना आप सिंपल प्राइमर यूज़ कर सकते हो जो सिलिकॉन बेस प्राइमर आता है। उसके बाद जो डार्क सर्कल को हाइड करूँगी मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्रायलोन का डर्मा लिया है, ये मैंने ऑरेंज शेड लिया है, और उसको मैं जहाँ जहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स है, पिंपल्स के निशान हैं, उस पर लगा लूँगी इस तरह ब्रश की हेल्प से। इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, हमें ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, इस हद तक ब्लेंड करना है कि जो हमारे डार्क सर्कल्स हैं वो हाइड हो जाए। अगर हम ज़्यादा ब्लेंड कर देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा लगाने का, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कफन लैश के कवर पॉट लिए हैं, उसको डॉट डॉट करके मैं मेरे फेस पर लगा लूँगी इस तरह से। बहुत अच्छे वाले हैं जो ये कवर पॉट है, फुल कवरेज देते हैं और बहुत अफोर्डेबल भी हैं। इसको लगा के ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं ये, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं। उसके बाद आईब्रो शेड लिया है मैंने कवर पॉट का ही, उसको मैं मेरी अंडर आईज, ब्रिज ऑफ द नोज, चिन, फोरहेड और जॉलाइन पे लगा लूँगी। आईलिड पे भी लगा लूँगी साथ में ही, क्योंकि फिर आई मेकअप करते हैं तब भी लगाते हैं, तो इसलिए मैंने साथ में ही लगा लिया। उसके बाद फेस को कंटूर करूँगी, यहाँ पे मैंने NYBA की ये स्टिक ली है, ये बहुत अच्छी वाली और अफोर्डेबल वाली स्टिक है। अगर आपको ये अफोर्डेबल वाली कंटूरिंग शेड या कंटूरिंग स्टिक ढूंढ रहे हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, एक साइड मैं कंटूरिंग शेड को ब्लेंड करूँगी और दूसरी साइड है जो कंसीलर शेड को ब्लेंड करूँगी। एक ही साइड से दोनों को ना ब्लेंड करें तो गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें, एक साइड कंटूरिंग शेड को, दूसरी साइड कंसीलर वाली शेड को ब्लेंड करें, मतलब हाईलाइट एरिया को। अब मैं दूसरी साइड से जो हाईलाइट एरिया है उसको ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लूज़ पाउडर यूज़ किया है, ये ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर है और अफोर्डेबल बेस्ट लूज़ पाउडर है। उसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी, यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ये पैलेट लिया है, उसमें से मैं ये लाइट शेड पिक करूँगी और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं मेरी आईलिड पर अप्लाई करूँगी इस तरह से और ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट SFR की पैलेट से डार्क शेड पिक करूँगी और मैं इसको मेरी आउटर वी पे अप्लाई करूँगी इस तरह से। पहले मैं इस कलर को डैप डैप करूँगी, उसके बाद सेम ब्रश की हेल्प से मैं धीरे धीरे करके ब्लेंड करूँगी और क्रीज में लेके जाऊँगी इस तरह से। स्विस ब्यूटी के पैलेट में ये डार्क शेड नहीं था, इसलिए मैंने SFR की पैलेट ली थी, वो भी बहुत अफोर्डेबल वाली पैलेट है, अच्छे शेड हैं उसमें भी।
उसके बाद स्विस ब्यूटी के पैलेट से ये लाइट शेड पिक करूँगी और इसकी एजेस को ब्लेंड करूँगी। ये लाइट ऑरेंज शेड है। उसके बाद स्विस ब्यूटी के पैलेट से ही डार्क ब्राउन शेड पिक करूँगी और आउटर वी पे इसको अप्लाई करूँगी और सेम धीरे धीरे करके क्रीज में लेके जाऊंगी। उसके बाद कट क्रीज करूंगी। यहाँ पे मैं छोटे छोटे स्ट्रोक में कट क्रीज करूंगी। अगर आप बिगनर हो तो इस तरह से ही थोड़ा थोड़ा करके है जो कट करें, इससे बहुत अच्छे से है जो कट क्रीज बनती है। उसके बाद सफर की पैलेट से ही वो डार्क शेड पिक करूँगी और इसकी एजेस बेस को लगाऊंगी। इस तरह से थोड़ा सा लगाना है हमें, ज़्यादा नहीं, और ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से ही। नेक्स्ट जहाँ पे कंसीलर लगा था उसको लॉक कर लेंगे कॉम्पैक्ट से। उसके बाद यहाँ पे मैं सिल्वर कलर अप्लाई करूँगी। ये वैसे हाईलाइटर शेड है, मैंने स्विस ब्यूटी के पैलेट से ही हाईलाइटर शेड को पिक किया था। उसके बाद मैं लूज़ ग्लिटर अप्लाई करूँगी और मैं लगा लूँगी मिड आई लिड पे। इसके बाद लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मे का लाइनर लिया है। यहाँ पे मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी क्योंकि जो बंगाली लोग होते हैं वो थोड़ा सा लंबा लाइनर लगाते हैं, मतलब विंग उनका बड़ा होता है। इस तरह से ही मैं आज लाइनर लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे इनर वी वाली साइड भी लगा लूँगी और उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर सेम डार्क शेड को लगाऊंगी और ब्लेंड करूंगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल सा ब्रश लिया है। उसके बाद काजल लगाऊंगी मैं मेरी बॉर्डर लाइन पे। नेक्स्ट मस्कारा अप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा लिया है, अच्छे वाला मस्कारा है ये भी। मैं मेरी अपर और लोअर आईलैश को अच्छे से कोट कर लूंगी इससे। उसके बाद आईब्रो को फिल करूँगी एक आईब्रो पेंसिल की हेल्प से। नेक्स्ट फॉल्सेस अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद फेस पे जो पाउडर लगा था उसको डस्ट आउट कर लूँगी। नेक्स्ट स्विस ब्यूटी के पैलेट से ब्रॉन्जर शेड को पिक करूँगी और उससे ही मैं मेरे फेस को कंटूर करूँगी। उसके बाद सेम पैलेट से ही ब्लश शेड को पिक करूँगी और मैं लगा लूँगी मेरी चिक्स पे। मैं यहाँ पे मेरी चिन पे और नोज़ पे भी लगा लूँगी। उसके बाद मेकअप को सेट करूँगी NYB के सेटिंग स्प्रे की हेल्प से। नेक्स्ट हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है। लिपस्टिक के लिए मैंने NYB और ब्लू हेवन की लिपस्टिक ली थी। सो गाइज, यहाँ पे है जो ये मेकअप लुक कंप्लीट होता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो और कैसा लगा आपको आज का ये मेकअप लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, मेकअप लुक थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस सो मच।